हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल क्लास? आई होप यू ऑल आर विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग एक्सरसाइज 3.1। इन लास्ट टू वीडियोस, फर्स्ट ऑफ वीडियो वी आर डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 to 6, एंड द नेक्स्ट वीडियो previous last video we are discuss about the question number 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. And now today we are discussing about the question number 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 of exercise 3.1. See the student question number 14. This question is saying 1/6 of ship's crew are deck officer. यानी कि एक शिप में कुछ डेक ऑफिसर बैठे हैं, जिसमें से 1/6 क्या है, शिप्स क्रू आर डेक ऑफिसर, उसके ऑफिसर हैं, ठीक है। 1/4 आर इंजीनियर, और उसमें से 1/4 कौन है, इंजीनियर, एंड द रेस्ट आर सेलर्स, और जो बचे हुए हैं वो सेलर्स हैं, ठीक है। कह रहा है इफ़ देयर आर 48 क्रू मेंबर्स इन ऑल, आपको टोटल मेंबर दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सीधे सीधे टोटल member, टोटल मेंबर ऑफ शिप, टोटल मेंबर ऑफ शिप्स कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 48, ठीक है। आप कह रहा है 1/6 ऑफ शिप्स क्रू आर डेक ऑफिसर, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेक ऑफिसर, CERS कितने हैं, 1/6 ऑफ टोटल, तो टोटल कितने हैं 48, 1/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई टोटल 48, 6 8 48 = 8, इट मीन्स वहाँ पे 8 मेंबर ऑफिसर्स हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑफिसर, वहाँ पे कितने ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है 1/4 आर इंजीनियर्स, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ इंजीनियर्स, इंजीनियर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, हाउ मेनी इंजीनियर्स, 1/4 ऑफ टोटल, इट मीन्स 1/4 ऑफ 48, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, या 12 4 ज़ा 48, यानी कि 12, तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने आ गए स्टूडेंट्स, 12 आ गए। अब इधर समझो, एक शिप है, शिप में 8 ऑफिसर्स हैं और 12 इंजीनियर्स हैं, बाकी जितने बचे हैं वो सेलर्स हैं, और टोटल मेंबर्स कितने हैं 48। फिर से देखो, एक शिप है, शिप में टोटल 48 मेंबर्स हैं, टोटल कितने हैं 48, ऑफिसर्स कितने हैं 8, इंजीनियर्स कितने हैं 12, जो बचे हैं वो आपके सेलर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, नाउ यू विल राइट नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स इज इक्वल्स टू टोटल माइनस, टोटल में क्या माइनस करेंगे, 8 + 12, तो टोटल कितना है 48 - 8 + 12 = 20 = 28। नाउ यू विल राइट आंसर, आंसर इक्वल्स टू देयर आर ट्वेंटी एट मेंबर्स ऑफ सेलर्स ऑन शिप, कहाँ पर, शिप पर, ठीक है। ये आपका है कौन सा, सॉल्यूशन नंबर 14। अब आप देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 15, ठीक है। इसमें क्या है, देखो, 2/7 part of the road was paved on the first day, or 1/5 on the second day, 1/3 part on third day, if 443 hole, 1/3 meter was paved on the fourth day, complete the road, what is the total length of the, अब आपको बताना है। देखो बच्चों, ये सवाल कुछ इस तरीके से है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रोड बना रहे हैं,
ठीक है, और रोड का कुछ हिस्सा एक दिन और कुछ हिस्सा एक दिन और कुछ हिस्सा एक दिन बनाया गया। देखो जरा, जैसे देखो ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, अब रोड में आपने कुछ हिस्सा एक दिन बनाया, कुछ हिस्सा दूसरे दिन और कुछ हिस्सा तीसरे दिन। ये आपका फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। ये जो बाकी बचा वो पोर्शन है, ये आपने क्या कर लिया, फोर्थ डे बनाया है। ये जो पोर्शन है ये आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, और फोर्थ वाला जो पोर्शन है ये आपको होल में पूरा दे रखा है कि आपने फोर्थ वाले दिन 443 होल 1/3 मीटर कंप्लीट किया है। तो बच्चों ये बताओ रोड कितनी है, एक है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे सीधे, 1 माइनस ठीक 2/7x, यानी कि जितना भी उन्होंने पार्ट बनाया है आप उस सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इससे पहले आप सॉल्यूशन से पहले आप लिखेंगे रोड कंप्लीट ऑन फर्स्ट डे, रोड कंप्लीट ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में उन्होंने कितना बनाया है 2/7। फिर आप लिखेंगे रोड कंप्लीट ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे इन्होंने कितना बनाया 1/5। फिर रोड कंप्लीट ऑन थर्ड डे, थर्ड डे इन्होंने कितना बनाया 1/3। आप मान लो पूरी रोड कितनी है, एक है, पूरी रोड कितनी है एक, या फिर आप मान लो लेट लेंथ ऑफ रोड, रोड की लेंथ कितनी है x, ठीक है। अगर x है रोड की लेंथ तो फर्स्ट डे कितना बनाया जाएगा 2/7x, सेकेंड डे कितना बनाया जाएगा x/5, और थर्ड डे कितना बनाया जाएगा x/3। समझ में आ रहा बेटा, हमने मान लिया ये रोड जो है पूरी x मीटर लंबी है, कितने मीटर x मीटर। तो पहला दिन कितना बनाया गया 2/7x, ठीक है, x 2/7x बनाया गया, और दूसरे दिन x/5, तीसरे दिन x/3, और चौथे दिन जो बनाया गया वो भाग फ्रैक्शन में नहीं है, वो इन्होंने पूरा दे रखा है। तो आप लिखेंगे रोड कंप्लीट ऑन फोर्थ डे, चौथे दिन इन्होंने कितना बनाया है ये आपको इन्होंने दे रखा है, चौथे दिन इतना बनाया, ठीक है। अब चौथे दिन देखो, जैसे ये 3 दिन का, अगर हमें जैसे ये पता चले कि ये रोड पूरी 100 मीटर है, 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है, और हम आपसे कहें कि पहले दिन हमने 10 मीटर बनाया, दूसरे दिन 20 मीटर, तीसरे दिन 30 मीटर, तो 10, 20, 30, 30, 30, 60 फोर्थ डे आपने कितना बनाया ये आप जानने के लिए क्या करेंगे, टोटल लेंथ में से, रोड की टोटल लेंथ में से जितने दिन आपने बनाया है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल सेम काम यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो जब टोटल में से तीनों दिन का आप बनाया हुआ रोड का हिस्सा माइनस कर रहे हो तो चौथे दिन का हिस्सा आ रहा है। देखो टोटल रोड की लेंथ है 100 मीटर, आपने इसको माइनस कर दिया 60, तो चौथे दिन का हिस्सा आ रहा है, ठीक है, 40 मीटर चौथे दिन का हिस्सा आ रहा है। तो ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ पे करेंगे, रोड की टोटल लेंथ कितना माना है हमने x मीटर, पहले दिन कितना बनाया है 2/7x, दूसरे दिन कितना बनाया है x/5, तीसरे दिन कितना बनाया है x/3, रोड की टोटल लेंथ में से जितना बनाया है उसको माइनस कर दे रहे हैं, जब माइनस कर रहे हैं तो चौथे दिन का हिस्सा, चौथे दिन कितना बन रहा है ये आ रहा है, फोर्थ डे कितना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 105, यहाँ पे आपका आ जाएगा 105x माइनस 15 7 तो 30 15 2 30 होता है, यहाँ पे आ गया 30, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 21 का x में इंटू करेंगे तो 21x हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 35, और 35 का x के साथ इंटू करने पे आएगा 35x इक्वल, आप इधर सॉल्व करिए, इधर सॉल्व करने पे आपका आएगा 1330/3, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसको माइनस करेंगे, इसको ऐड करो बेटा, देखो 30 और 20 50 50 और 1 51 51 और 35, ये टोटल कितना हो गया 86। अब 105x माइनस 86x अपॉन 105 इज इक्वल टू 1330/3, कैंसिल कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 35 यहाँ पे 1, ठीक है, 35 3 105, इसको माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 19x अपॉन 35 इज इक्वल टू 1330/1, 19 7 ये आपका कैंसिल हो गया, यानी x इज इक्वल्स टू आया 35 × 70 75 35 7 3 21 और 3 24, यानी कि x इज इक्वल टू 2450 मीटर, क्योंकि
पूरी डिस्टेंस किस में थी? मीटर में. एक्स आपने किसको माना है? रोड की लेंथ को. क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? रोड की लेंथ क्या है? रोड की लेंथ कितने हैं? एक्स. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2450 मीटर. इसको बेटा आप क्या लिख सकते हैं? जब आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर में. तब ये क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर और 450 मीटर. तो ये भी आपका आंसर सही है. अगर आप लिखेंगे 2450 मीटर तो वो भी सही है, और 2 किलोमीटर 450 मीटर ये भी आपका सही है. आंसर में क्या लिखेंगे बेटा? यू विल राइट दैट द लेंथ ऑफ रोड इज 2 किलोमीटर 450 मीटर. व्हाट? द लेंथ ऑफ रोड इज 2 किलोमीटर 450 मीटर. तो ये था आपका 15 नंबर. अब देखो आप 16 नंबर. ठीक है, 16 नंबर में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्रेपेजियम. ठीक है, तो बेटा आप सबसे पहले देखो आइसोसेलस ट्रेपेजियम होता क्या है. ये आप देख रहे हैं, ये आपका आइसोसेलस ट्रेपेजियम है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं दो साइड इक्वल होती है और दो साइड इक्वल नहीं होती है. कह रहा है इसका पेरीमीटर कितना दिया है? 13 होल 3 बाई 7. पेरीमीटर क्या होता है? आप लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर पी इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स. पेरीमीटर का मतलब होता है ऑल साइड्स का सम. पेरीमीटर कितना गिवन है बेटा? ये आपका है सॉल्यूशन नंबर 16. पेरीमीटर गिवन है 13 होल 7 अपॉन 30. और आपको दिया है इफ इट्स अनइक्वल साइड, अगर उसकी अनइक्वल साइड, देखो ये और ये दो उसमें इक्वल होगी, दो साइड इक्वल होगी, ये और ये आपका इक्वल है और ये इक्वल नहीं है. तो जो दो इक्वल है, टोटल कितनी साइड है? 1 2 3 4, 4 साइड है. इसमें से दो अनइक्वल साइड आपको दे रखा है. जो दो अनइक्वल है वो कितनी है? एक है 3 होल 2 बाई 5 और दूसरी है 5 होल 1 बाई 6. तो तीसरी वाली, वो दोनों इक्वल हैं, इसीलिए दोनों की वैल्यू क्या आ गई? एक्स एक्स. क्यों एक्स आई दोनों को? क्योंकि दोनों साइड क्या है? इक्वल है. क्वेश्चन ने कह रखा है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. तो ये आपका हो जाएगा 13 3 39 390, और 390 में 7 प्लस करेंगे तो 397 अपॉन 30. ठीक है, माइनस इन सबको इधर ले आएंगे हम. ये हो जाएगा 5 3 15 15 और 2 17 अपॉन 5, प्लस ब्रैकेट के साथ यूज़ करो इसीलिए पूरा एक साथ आ जाएगा. तो 5 6 30 और 131 अपॉन 6 इक्वल टू 2x. ठीक है, एलसीएम लेंगे सबका, हो जाएगा 30. यहाँ पे 397 माइनस आपका 17 6 5 5 और 5 3 15 6 7 42 6 7 62 6 7 6 और 4 11 16 7 112, ये आपका आ गया इक्वल टू 2x. 17 6 या 102. ठीक है, 17 6 या 102 होता है. तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. 397 माइनस 5 और 2 7 5 2 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2x. 7 में 7 लेस हुआ 0, 9 में 5 लेस हुआ 4, 3 में 2 लेस हुआ 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2x. 0 से 0 कैंसिल और 2 7 14. ठीक है, तो बेटा आप देखेंगे आपके पास क्या आ गया? 7 बाई 3. अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 3 6 इज इक्वल टू, मतलब 2 3 6 6 और 1 7, यानी कि 2 होल 1 अपॉन 3 एक्स की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर. नाउ यू विल राइट ईच इक्वल साइड विल बी 2 होल 1 बाई 3 क्या मीटर और सेंटीमीटर. क्वेश्चन में क्या है? सेंटीमीटर है, तो ये आपका सेंटीमीटर में आएगा. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर. अगर आपको बेटा चेक करना है कि आपका सही है, रॉन्ग है या राइट है, तो आप क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर रख के प्लेस करेंगे और इन चारों को ऐड करेंगे, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा. अगर आता है तो इसका मतलब यू आर सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 17. इसमें क्या है, एक फादर और उनके दो बेटों ने मिलकर एक घर बनाया है. कितने में? 5,25,000 में. ठीक है, उनका बड़ा बेटा अपने पापा का 3/5 कंट्रीब्यूट कर रहा है और छोटा बेटा अपने पापा का हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है,
तो आपको बताना है कि उन तीनों ने कितना अलग अलग कंट्रीब्यूट किया। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट फादर, या ठीक है लेट फादर कंट्रीब्यूट इक्वल टू एक्स रुपी, पापा ने कितना कंट्रीब्यूट किया एक्स रुपीज। अब उनका बड़ा बेटा हिज एल्डर सन, एल्डर सन कंट्रीब्यूट कितना कंट्रीब्यूट किया एल्डर सन ने, 3/5 ऑफ फादर, तो 3/5 ऑफ फादर, फादर ने कितना कंट्रीब्यूट किया एक्स, तो 3/5 एक्स। हिज यंगर सन, यंगर सन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो जितना पापा ने कंट्रीब्यूट किया उसका हाफ, पापा ने कंट्रीब्यूट किया एक्स तो उसका हाफ। अब तीनों ने मिलाकर कितना कंट्रीब्यूट किया, यानी कि एक्स प्लस 3/5 एक्स प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा 5,25,000। ठीक है, अब सबको क्या कर लेंगे ऐड करेंगे, तो 5 और 2 का एलसीएम 10, एलसीएम हो गया 10, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10x, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 3 जा 6, फिर डिवाइड करने पर क्या आएगा 5 का x के साथ इनटू, तो आ गया 5x इज इक्वल्स टू 5,25,000। ये आ गया 5 और 6 11, 11 और 10 21 एक्स अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 5,25,000, यानी 5,25,000। ठीक है, कैंसिल करो बेटा, 21 2 42 में 42 लेस हुआ कितना बचा 10, और 10 और 5 ये देखो कितना बन गया 105, तो 21 5 105, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आपके पास 30 यहाँ भी था 10 यहाँ, यानी कि अब कितना आ गया 2,50,000। टोटल पापा ने कितना कंट्रीब्यूट किया बेटा 2,50,000, और उनके एल्डर सन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो आप लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्डर सन, 3/5 है तो 3/5 इंटू 25, तो ये हो गया 5 5 ज़ा, और 3 5 ज़ा 15, ठीक है 40 था, तो ये आपका 1,50,000 रुपीज़। इसको किसने कंट्रीब्यूट किया एल्डर सन ने। अब आप लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ यंगर सन, यंगर सन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हाफ, तो 2,50,000 का हाफ वैसे भी 1,25,000 हो जाएगा, है ना, तो आप फाइंड आउट कर लीजिए 2,50,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,25,000 रुपीज। तो तीनों का अलग अलग आ गया बेटा, पापा ने कितना कंट्रीब्यूट किया 2,50,000, बड़े बेटे ने 1,50,000, और छोटे बेटे ने 1,25,000। ठीक, ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 17। ठीक बच्चों, अब आपका आता है सॉल्यूशन नंबर 18। देखो बच्चों, ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 18। इसमें कह रहा है राजीव ने अपने पापा अपने ग्रैंडफादर का 2/9 शेयर लगाया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके ग्रैंडफादर ने कितना शेयर लगाया, तो हमने मान लिया उन्होंने कितना शेयर किया एक्स रुपीज, तो राजीव का शेयर कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपसे बोल रहा है कि और उसके भाई का कज़िन यानी राकेश का कज़िन, सॉरी राकेश का शेयर, तो आप लिखेंगे शेयर ऑफ राकेश, ये कितना है इन्होंने शेयर किया है, राकेश का शेयर कितना है 1/7 ऑफ हर ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ने एक्स, तो इनका कितना हो जाएगा एक्स बाई सेवन। अब आगे आपसे बोल रहा है इफ़ राजीव शेयर वॉज 60,000 मोर देन राकेश शेयर, राजीव का शेयर राकेश के शेयर से 60,000 मोर देन है, यानी कि 2/9 एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई सेवन प्लस 60,000, यही तो बोल रहा है राजीव का शेयर 2/9 है जो कि राकेश के शेयर से 60,000 ज़्यादा है, ये ऑलरेडी ज़्यादा है, इसमें और प्लस करेंगे तो यहाँ पे इक्वल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ प्लस करेंगे, इसको क्या करेंगे लेफ्ट में ले आएंगे और उसके बाद माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बाई सेवन इज इक्वल टू 60,000। एलसीएम लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 63, और ये हो जाएगा 14x माइनस 9x इज इक्वल टू 60,000।
थाउजेंड। तो 14 में 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5x अपॉन 63 इज इक्वल टू 60,000। 5 से बेटा 60 को कैंसिल करेंगे 12 टाइम में, यानी x इज इक्वल टू 12,000 इंटू 63 इंटू करिए 12, 3 जो 36 ऑफ 6 कैरी 3, 12, 6 जो 72, 72 में आप कितना प्लस करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 75 और ये 30, यानी कि 7,56,000 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था आपसे ग्रैंडफादर का शेयर कितना है, तो आप लिखेंगे आंसर में हर हाउ मच मनी देयर ग्रैंडफादर लेफ्ट बिहाइंड, तो आप लिखेंगे हर ग्रैंडफादर लेफ्ट 7,56,000 रुपीज़। ठीक है, अब बेटा देखो जैसे 14 था, 15 था, 16 था, 17 था, 18 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 19 इसको आप सेल्फ से करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ 20 नंबर। ठीक है, आप 20 नंबर और देख लो, बाकी आप सारा सेल्फ से करेंगे। ठीक, 20 नंबर देखो, ये 20 नंबर सोल्यूशन, इसमें क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स केम स्कूल बस, तो आप लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले आप मान लो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपने मान लिया कि वहाँ पे स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x हैं, तो स्कूल से, स्कूल बस से आने वाले कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्स बाई स्कूल बस, स्कूल बस से आने वाले कितने हैं, 1/4 यानी कि x by 4। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है 2/5 स्टूडेंट राइड अ बाईसाइकिल, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्स बाई बाईसाइकिल, बाईसाइकिल से आने वाले कितने हैं, देखो गिवन है कितना फ्रैक्शन 2/5, तो आप लिखेंगे 2/5 एक्स। फिर कह रहा है ऑल द अदर स्टूडेंट वॉक टू स्कूल, जो बचे हुए हैं वो किससे आते हैं, वॉक करके आते हैं, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्स बाई वॉक, टोटल कितने हैं एक्स, एक्स में आप क्या करेंगे, जो साइकिल से और बाईसाइकिल से आते हैं उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो करिए माइनस, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका सीधे सीधे एलसीएम लेंगे आप, हो जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 20x माइनस 5x प्लस 5 फोर ज़ा और 4 2 ज़ा 8, ये हो गया, यानी 8 5 13, और 20 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x अपॉन 20। ठीक है बच्चों, आपके पास आ गया 7x अपॉन 20 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप आगे आपको कह रहा है ऑफ विच 1/3 वॉक ऑन देयर ओन, जिसका इसका 1/3, अब इसमें देखो इसमें से कुछ ओन वॉक करके आते हैं, तो वॉक बाई ओन आप ये लिखो, वॉक बाई ओन, तो 7x अपॉन 20 का कितना 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 7x अपॉन 60 हो गया। कह रहा है इफ 196 स्टूडेंट वॉकिंग बाई ऑन देयर ओन, ये बराबर किसके है बच्चों, ये गिवन है आपको 196 के, तो कैंसिल करेंगे 7 2 14 कितना बचा 5 5 और 6 56, 7 8 56, यानी x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 60, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 8 48 और 6 2 12 12 और 4 कितना हो गया 16, तो ये आपका क्या हो गई टोटल स्ट्रेंथ स्कूल की, यानी उस स्कूल में कितने बच्चे आते हैं 1680, 6 8 48 कैरी 4 और यहाँ पे आपका आएगा 8, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स। फिर से देखो बच्चों क्या कह रहा था, एक स्कूल है जिसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं हमें नहीं पता, हमने मान लिया उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं x, उसमें से 1/4 कैसे आते हैं, स्कूल बस से आते हैं, तो टोटल का 1/4 यानी x का 1/4 कम्स बाई स्कूल बस, और टोटल का 2/5, तो टोटल है x, टोटल का 2/5 कैसे आते हैं, साइकिल से आते हैं। अब आपको ये पता करना है कि पैदल कितने आते हैं, तो कैसे निकालेंगे, जो टोटल स्टूडेंट हैं उसमें से स्कूल आने वाले और साइकिल से आने वाले को क्या कर देंगे, सॉरी स्कूल बस से आने वाले और साइकिल से आने वाले को माइनस कर देंगे, तो दोनों को ऐड करके माइनस कर लिया, कितना आ गया 7x अपॉन 20। अब ये 7x अपॉन 20 में ऐसे बच्चे हैं जो पैदल आते हैं सब लोग,
अब लेकिन देखो, पैदल आने वाले बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, जो सेल्फ से पैदल आ जाते हैं, और कुछ छोटे बच्चे भी पैदल चल के आते हैं जो उनको, जिनको उनके बड़े लोग लेकर आते हैं। तो कह रहा है वॉक बाई ओन, जो सेल्फ से चल के आते हैं, टोटल पैदल में से जो सेल्फ से चल कर आते हैं वो टोटल वाले का 1/3 है। तो 1/3 ले लिया, कितना आ गया 7x/60। आपको इसकी वैल्यू दे रखा है 196। ये 7x/60 इक्वल बताया है आपको किसके, 196 के। तो आपने क्या कर लिया, 7 2 14, यहाँ बचा 5, 7 8 56, और x इज इक्वल्स टू, ये 60 अपॉन में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 28 × 60। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, 0 आ गया, 6 8 48, 8 आया, कैरी कितनी गई 4, 6 2 12, और 12 और 4 16, तो 1680 स्टूडेंट्स। ठीक है, स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, 1680। तो मैंने आपको 14 15 16 17 18 और 20, इतने सारे सोल्यूशन बताए, 19 नंबर नहीं बताया है बच्चों मैंने आपको। और अगर आपको कोई डाउट होता है 19 में, अच्छा देखो करना कैसे है, अमर अकबर और एंथोनी रिसीव अ 2016 एज अ मंथली अलाउंस फ्रॉम देयर फादर सच दैट एंथोनी गेट्स 1/2 ऑफ अमर, डस अकबर गेट्स 1 इतना टाइम्स एंथोनी शेयर, हाउ मच टू 3 गेट ब्रदर इंडिविजुअली, तीनों ने अलग अलग कितना फाइंड किया है। जैसे यहाँ पे हमने अभी निकाला था कि 17 नंबर में तीनों ने अलग अलग कैसे कितना फाइंड किया, आपको ऐसे इसमें भी निकालना। ठीक है, कर पाइएगा तो करिएगा, नहीं कर पाइएगा तो मेरे पास मैसेज करिएगा, मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होती है तो क्वेश्चन मेरे पास सेंड करना और मैं आपको बताऊँगी। लेकिन हाँ, उससे पहले आप ट्राई करो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता आप ट्राई करें और आपको आए ना। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो हमसे कंसल्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।